सुहानी पूरे घर की साज सजावट कर देती हैं। इतनी देर में नवीन अपनी माँ गायत्री के साथ आ जाता है। पूरा आप भी इस तरह का कार्टून वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कार्टून वीडियो बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह का कार्टून वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस ऐप में आप अनलिमिटेड कार्टून वीडियोस बना सकते हैं। अलग अलग टाइप की कार्टून वीडियोस आप बना सकते हैं, यानी कि आपको उस ऐप के अंदर कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। और उसी ऐप में आपको कैरेक्टर भी मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर मिलेंगे, अलग अलग टाइप के आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के आपको वहाँ पर स्क्रिप्ट मिल जाएगी। सब कुछ आपको वहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा। बस वहाँ पर आपको उसको निकालना है और निकालने के बाद उस पर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और एडिटिंग करने के बाद उसको अपने चैनल पर अपलोड कर देना है। अब वो ऐप कौन सा है, किस तरह से आप कंटेंट निकालना है, किस तरह से एडिटिंग करनी है, क्या एडिटिंग में क्या करना है, आपको सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन इन सबको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम क्या है ये आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर उसको आपको चलाना सिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको अपना कंटेंट बनाना है। तो सिंपली मैं उस ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, मैंने ऐप को ओपन कर लिया। आपको सिंपली इस प्ले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्ले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपने दूल्हे का और दुल्हन का नाम यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जो भी आपको स्क्रिप्ट यहाँ पर लेनी है उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर चलाना है। तो मैं इंग्लिश इसको यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर फैमिली मीटिंग, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इससे आ जाएगा। लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ और इंग्लिश कर लेता हूँ। कुंडली के मिलाने के बाद लड़की को देखने और शादी को निश्चित करने के लिए लड़के का परिवार लड़के के घर जाए। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो इसकी वॉइस थी उसको मैंने हिंदी कर लिया, यानी कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। आप भी कर सकते हैं, हिंदी का एक होम वाला ऑप्शन आता है उसकी मदद से आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने इसकी वॉल्यूम यहाँ पर रिमूव कर दी। देखिए, नमस्ते, आपका स्वागत है। इस पर आगे कैसे हो आप सब? नमस्ते, हम ठीक है। कृपया आप बैठिए। अब जैसे इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर लड़का बैठ जाएगा। अब इस पर इसकी माँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर ये बैठ जाएगी। अब यहाँ पर इस पर टच करेंगे तो ये लड़का यहाँ पर फिर से बैठ गया। अभी लड़की के पापा पर क्लिक करेंगे तो ये लड़की के पिताजी बैठ गए। इस पर क्लिक इन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से टेबल पर क्लिक कर देना है। अब नाश्ते को यहाँ पर इस तरह से उठा कर यहाँ पर रख देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। आशा करता हूँ कि पता ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, ये आसान था। क्या आप पहले इस शहर में आए हो? हाँ, पहले मेरे रिश्तेदार इस। ये अच्छी बात है। क्या आपने जन्म कुंडली मिलाई? तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह से इसको क्लिक करते रहना है और यहाँ पर अगला यहाँ पर आता रहेगा। इन सबको आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर, और उसकी मदद से आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है पूरे ऐप की, यानी कि पूरे एक जो हमने लिया वहाँ पर सबसे पहला था हमारा फैमिली मीटिंग, तो उसका आपको एक पार्ट बनाना है। फिर उसके बाद सेकंड वाले का दूसरा पार्ट, थर्ड वाले का दूसरा पार्ट, तो इस तरह से आपको एक एक पार्ट करके यहाँ पर बना लेना है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आगे आ गया। देखिए उसके बाद यहाँ पर, यह तो अच्छी बात है। हाँ, देखिए यह पूरी तरह से मिल रही है। देखो ये तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए लड़की यहाँ पर ये चाय नाश्ता लेकर यहाँ पर मेरी बेटी है आ चुकी है। तो इस तरह से आपको इनको यहाँ पर खेलते रहना है इस गेम को और यहाँ पर इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते रहना है। जब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना है और उसके बाद आ जाना है आपको बैक। बैक आने के बाद आपको करना है इस पर एडिटिंग। अब एडिटिंग कैसे करेंगे, तो एडिटिंग में क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है कि कौन सा एडिटिंग आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो आप देख लीजिएगा। मैं काइनमास्टर यूज़ करता हूँ तो मैंने काइनमास्टर को यहाँ पर ओपन कर लिया। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है और सोलो नो की रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सोलो नो की रेशियो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो ऑप्शन आ रहा है इमेज एसेट्स का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना है और वाइट कलर का बैकग्राउंड लेने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, जितनी बड़ी आप वीडियो हो यानी कि वीडियो की लेंथ हो उस हिसाब से आपको बैकग्राउंड यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ानी है। अब क्या करेंगे हम, इस वाली ये जो पीली लाइन दिख रही है ये बैकग्राउंड की, देखिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ये ऐसा है, नॉर्मल बैकग्राउंड है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से पीली लाइन आ जाएगी। अब ये जो पीली लाइन आई है इसको पकड़कर आगे की ओर खींचेंगे तो इस तरह से लेंथ बढ़ जाएगी।
अब आप जितनी लेंथ बनाना चाहे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप इतनी लेंथ बनाना चाहे, इतना बड़ा आपका वीडियो इस तरह से आपको बढ़ा लेना है, जितना बड़ी हो आप बड़ा मतलब जितनी वीडियो हो आपकी, जितनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जितने मिनट की, उस हिसाब से आपको उसको बढ़ा लेना है। मैंने इतना बढ़ाया बस इसको, उसके बाद आपको स्टार्टिंग पे जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद यहाँ पर लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने की थी उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। तो देखिए मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से आगे निकालना है, और मेन पार्ट आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको यहाँ पर इसको सेव करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो पहला पार्ट है वो है यहाँ पर फैमिली मीटिंग। तो ये फैमिली मीटिंग, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लड़के का पहनावा, उसके बाद यहाँ पर देखिए लड़के का पहनावा। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग पार्ट आपको बनाने हैं। तो सबसे पहला है हमारे यहाँ पर पहला पार्ट यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक आपको यहाँ पर रेड लाइन को यहाँ पर रखना है, और ये जो कैची वाला ऑप्शन है इस पर जाना है, यहाँ से कर देना स्प्लिट। जैसे आप स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से कट लग जाएगा। अब ये जो बेकार पार्ट है आगे वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना है, और ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है इस पर डिलीट कर देना है। और इस पार्ट को उठाकर हम इस तरह से आगे की ओर खिसका देंगे, इस तरह से खिसका देंगे हम इसको, फ्रंट पर ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्रॉपिंग पे जाना है, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए इस तरह से हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पर ये जो कार्टून वीडियो है कुछ इस तरह से यहाँ पर बन चुका है। देखिए यहाँ पर देखिए, आप और भी जूम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा जूम करेंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा अजीब लगेगा ये, बाकी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको दोनों उंगलियों से पकड़ कर कुछ इस तरह से यहाँ पर जूम कर देना, दो उंगलियों से। जैसे आप इसको जूम करेंगे तो ये यहाँ पर और भी अच्छा इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हो चुका है। अब इसकी लेंथ को हम इस तरह से कर देते हैं। देखिए मैं आपको इसको यहाँ पर प्ले करता हूँ, देखिए तो इस तरह से यहाँ पर मेरा यहाँ पर पूरा वीडियो क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहे तो इसके यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके, इस वाले जो वीडियो है इसको सिलेक्ट करके, यहाँ से ये जो मिक्सर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके, यहाँ से वॉल्यूम को ज़ीरो करके, और यहाँ पर आपको ये रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ से अपना वॉइस ओवर भी आप खुद का कर सकते हैं। अगर आप खुद का वॉइस ओवर नहीं करना चाहते तो आप इसकी भी वॉइस से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसका पूरा कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर लेना है अच्छी तरीके से। इस तरह से आपको एडिटिंग करनी है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है ये एडजस्टमेंट का। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, सब में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, ताकि आपका वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा और अलग टाइप का यहाँ पर लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। जब ये आपकी गैलरी में सेव हो जाए तो आप इसको अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं कि ये ऐप कौन सा है, और किस तरह से आप मल्टीपल वीडियोस बना सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और सर्च बार में यहाँ पर आपको सर्च करना है प्री वेडिंग गेम। देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर, तो देखिए जैसे मैंने प्री वेडिंग गेम यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया इंडियन प्री वेडिंग। देखिए यहाँ पर प्री वेडिंग रिचुअल्स 1, तो यहाँ पर देखिए ये एक फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, ये थर्ड। तो यहाँ पर आप पहले से एक अच्छा सा यहाँ पर, जैसे पहले में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एपिसोड आप इसमें बना सकते हैं, बहुत सारे एपिसोड आप इस वाले में बना सकते हैं, फिर उसके बाद इस वाले में बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए तीन ऐप मिल रहे हैं, इन तीन ऐप की मदद से आप बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर बना सकते हैं, और इन तीनों ऐपों की मदद से जो वीडियोस आप बनाएंगे उसी से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, और अच्छी खासी यूट्यूब से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अपने चैनल को ग्रो करने के साथ ही साथ आप यहां से अच्छे खासे आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, अच्छे खासे यहां पर व्यूज़ मिल जाएंगे, और यहां पर आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको यहां पर कंटेंट की कमी आती है तो आप यहां पर और भी ले सकते हैं। देखिए यहां पर ये रहा, उसके बाद यहां पर देखिए ये वाला, तो आपको और भी यहां पर बहुत सारे यहां पर मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। तो आप यहां से बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक वीडियो ये रहा इंडियन का, एक ये रहा। देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जब आपका इनसे वीडियो कंप्लीट हो जाए इनसे, और इनमें कंटेंट की कमी आने लग जाए, तो आप यहाँ से भी वीडियोज़ उठा सकते हैं, और आप उनको भी इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर एडिट करने के बाद अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप ऐसी कार्टून वीडियोज़ बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये
वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको कार्टून वीडियो क्रोमाटोन्स की मदद से बनाना पसंद है तो उसके भी कैरेक्टर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में कैरेक्टर डाउनलोड करके अपने क्रोमाटोन्स ऐप में ऐड करके कार्टून वीडियोज बना सकते हैं। और उसका तरीका भी मैंने बता दिया, जब आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल से कैरेक्टर लेंगे उन कैरेक्टर को जब भी आप अपलोड करके अपने डाउनलोड करके अपने क्रोमाटोन्स ऐप में अपलोड करेंगे तो आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट आते हैं, यानी कि अच्छे से कैरेक्टर वहाँ पर ऐड नहीं होते हैं। तो उससे भी रिलेटेड वीडियो मैंने बना दिए कि किस तरह से आप उनको डाउनलोड करके एक अच्छा यानी कि साफ़ सुथरा वहाँ पर कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं क्रोमाटोन्स में। तो उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी बना दिए, आप चाहे तो उसको देखकर मेरे टेलीग्राम चैनल से कैरेक्टर डाउनलोड करके और अपने क्रोमाटोन्स में ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।